वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। और मैं लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम दबंग खान स्पेशल। और दोस्तों, दबंग खान स्पेशल में जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के बारे में। अब जब बात सलमान के बारे में होती है और नाम ना जुड़े एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का, तो हमेशा उनके बारे में ये बातें अधूरी लगती हैं। तो वहीं आज एक बार फिर से हम इस खास प्रोग्राम में लेकर हाजिर हैं सलमान और कैटरीना को। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कैटरीना ने खुद ये सच्चाई बताई है कि वो सलमान को पसंद करती हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां हमेशा इस बात के कयास लगाए जाते हैं कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन खुद ही इस बात का खुलासा कर चुकी है कैटरीना कैफ। दरअसल कुछ समय पहले टीवी रियलिटी शो में कैटरीना कैफ ने इस बात का खुलासा किया कि तीनों खान में सबसे बेहतर सलमान खान है। दरअसल कैटरीना कैफ, जो बॉलीवुड के तीनों ही बड़े सुपरस्टार खान के साथ काम कर चुकी है, उनका मानना है कि तीनों खान में सबसे ज्यादा परफेक्ट है सलमान खान। अब इससे तो यही बात साबित होती है कि वाकई कैटरीना के दिल में भी सलमान के लिए कुछ तो है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में और बताते हैं आपको क्या कुछ कहा है कैटरीना ने सलमान खान को लेकर। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, जो आए दिन ही चर्चा का एक खास विषय रहती है। अगर देखा जाए तो कैटरीना कहीं भी स्पॉट की जाए, हमेशा वो मीडिया की नजरों में बनी रहती है। साथ ही साथ जिस तरह से अपने एक असल पहचान बनाने में कामयाब हो चुकी है कैटरीना, उसी तरह से एक बार को बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ उनका नाम जरूर लिया जाता है। वहीं जहां आप समझ चुके होंगे कि आज इस खास प्रोग्राम में हम कुछ खास बातों के बारे में बात करने वाले हैं, कैटरीना जो सलमान को मानती है बिल्कुल परफेक्ट, जिन्हें सलमान है बेहद पसंद। दरअसल बता दें कि अपने करियर में कैटरीना कैफ ने अगर किसी खान सुपरस्टार के साथ सबसे ज्यादा काम किया है तो वह सलमान खान है। दरअसल जहां अपने करियर की ऊंचाइयों को छूने वाली कैटरीना ने बॉलीवुड के तीनों ही खान के साथ काम किया है। फिर बात हो चाहे आमिर खान के साथ फिल्म धूम में काम करने की, या फिर बात हो शाहरुख खान के साथ काम करने की, तो वही सलमान के साथ भी कई फिल्मों में काम कर चुकी है कैटरीना। लेकिन बता दें कि कैटरीना ने शाहरुख और आमिर के साथ तो काम किया है, लेकिन उनका मानना है कि सलमान तीनों में सबसे बेहतर है। कैटरीना ने यह बात करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण पर कही थी। जी हाँ दोस्तों, तीनों ही खान्स के साथ काम कर चुकी कैटरीना का मानना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा बेहतर है बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान। बता दें कि करण जौहर अपने इस शो के छठे सीजन के साथ फिर से वापसी कर रहे हैं, ऐसे में यह किस्सा सामने आया है। बता दें कॉफी विद करण के सीजन में कैटरीना ने सलमान की तारीफों में कसीदे पढ़ दिए थे। करण ने जब कैटरीना से पूछा कि उनकी नजर में शाहरुख, आमिर और सलमान में कौन सबसे बेहतर एक्टर लगता है, तो कैटरीना ने बिना समय गवाए ही सलमान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता लोगों ने सलमान के इतने बड़े करियर को समझा है कि नहीं, या फिर उन्हें समझने का मौका मिला भी है या नहीं, लेकिन कैटरीना कहती है कि उनके अंदर कुछ तो ऐसा है जिससे उन्हें लगता है कि सलमान ही सबसे बेहतर एक्टर है। दोस्तों, इस बात से ये बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं कैटरीना के दिल में भी सलमान के लिए एक खास जगह है, और जिसे उन्होंने बयां भी कर दिया है। वहीं बता दें कि सलमान और कैटरीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लाखों लोगों को पसंद है। फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से लेकर एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है में दोनों के तिलसम का कमाल देखने को मिला है। ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी कैटरीना के लिए सलमान बेहद खास है। आखिरकार सलमान ने कैटरीना के करियर में मदद जो की है। आज भले ही ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, बावजूद इसके सलमान और कैट के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है जो अक्सर ही देखने को भी मिलती है। वहीं अगर देखा जाए तो सलमान कैटरीना अक्सर ही एक दूसरे के साथ नजर आते हैं, और जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं तो हमेशा लोगों की उम्मीदें बंद जाती हैं कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। हालांकि इनके फैंस कई बार इन्हें ये बातें कहते भी नजर आते हैं।
वहीं बात की जाएगी इसके अलावा तो बता दे कि जब भी सलमान और कटरीना की कोई फिल्म आती है तो लोग बस दीवाने ही हो जाते हैं। फिर बात हो चाहे फिल्म एक थकाई गई या फिर दर्जा सिंधा है कि इन फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं दूसरी तरफ अब इनकी आने वाली फिल्म है भारत, और फिल्म भारत के जरिए ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा समय बिता रहे हैं। बता दें कुछ समय पहले दोनों ही सुपरस्टार्स विदेश में जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग के दौरान इनकी कुछ तस्वीरें लगातार ही सामने आई थी, जिससे देखते ही लोगों ने कह डाला कि बस ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वही बता दें कि कटरीना ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये तस्वीरें शेयर की जो इनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान थी, जिसमें कटरीना ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना है तो वही हल्की हल्की मूंछों के साथ सलमान बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। अब इस बात से ये साफ है कि ये दोनों की आने वाली फिल्म फिर से सुपरहिट होने वाली है, जिसका इनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जहां ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता है, वहीं बड़े पर्दे के पीछे भी ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे के करीब है, वहीं इस जोड़ी को बड़े पर्दे के पीछे भी खूब पसंद किया जाता है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस ने अपना नाम दर्ज करने वाली एक्ट्रेस कटरीना कैफ के लाखों दीवाने। कटरीना अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती है। अब कटरीना की खूबसूरती उनकी क्यूट सी स्माइल पर ना सिर्फ आम आदमी बल्कि सुपरस्टार सलमान खान भी अपना दिल हार चुके हैं। अब जहां सलमान संग कटरीना के बारे में अक्सर ही बातें होती रहती हैं, तो बता दें कटरीना ने भी अपने दिल की बात कही है। दरअसल रियलिटी शो के दौरान कटरीना ने कहा कि बॉलीवुड के तीनों खानों में सलमान खान सबसे बेस्ट एक्टर है। तो यहां दोस्तों ये बात कही है कटरीना कैफ ने। हालांकि उन्होंने तीनों ही खान के साथ काम किया है, लेकिन कटरीना के अनुसार सलमान खान बिल्कुल परफेक्ट एक्टर है। अब साफ है कि जहां सलमान करते हैं कटरीना को पसंद, तो कटरीना ने भी कैसे भी करके अपने दिल की बात कह डाली है। बॉलीवुड की बेबी डॉल कही जाने वाली एक्ट्रेस कटरीना कैफ, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, कटरीना को यूं तो उनकी स्माइल के साथ साथ उनकी एक्टिंग के लिए भी जाना जाता है। तो वही अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी वो हमेशा सुर्खियों से घिरी रहती है। अब जैसा कि सब जानते हैं कि पिछले काफी समय से कटरीना को खान परिवार के काफी क्लोज देखा गया है, जिससे ये भी कहा गया कि कटरीना खान परिवार की बहू बनने वाली है। ये बात तो उनके फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ बता दें इन दिनों खान परिवार लंच के लिए स्पॉट किया गया, जहां अक्सर ही खान परिवार के साथ कटरीना को स्पॉट किया जाता था। बता दें इस दौरान पूरे परिवार के साथ कटरीना नहीं बल्कि यूरिया बंसल को देखा गया। अब जहां कटरीना को हमेशा इस परिवार के साथ देखा गया था, तो अब छोड़ चुकी है कटरीना का साथ और बिता रही है यूरिया संसद। ये देखकर अब कटरीना को हैरानी तो जरूर होगी। वेल अगर बात की जाए इसके अलावा तो बता दें कि सलमान खान और उनका परिवार कटरीना के काफी करीब है, अक्सर ही ये एक दूसरे के साथ भी नजर आते हैं। लेकिन इन दिनों लंच डेट पर जब इस पूरे परिवार को देखा गया इस साथ में, तो कटरीना की जगह यूलिया बंसल को देखा गया। नेक्स्ट प्राइम न्यूज रूम से चित्रा की रिपोर्ट। वेल दोस्तों देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में कि किस तरह से जहां कटरीना और सलमान की जोड़ी को हमेशा ही खूब पसंद किया जाता है, जहां फैंस हमेशा ही इस सुपरहिट जोड़ी को एक साथ देखकर बेहद खुश होते हैं, तो वहीं कटरीना भी अपने दिल की बात कह चुकी है। अब अगर देखा जाए तो सालों पहले जहां ये दोनों एक दूसरे को डेट किया करते थे, वहीं भले ही कुछ साल तक ये दोनों एक दूसरे के करीब ना रहे हों, लेकिन आज भी इनके बीच बेहद करीबियां हैं और अक्सर इनकी करीबियां देखने को भी मिलती है। वेल दोस्तों ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।